नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीएमए विद्या चैनल में। आपके साथ मैं हूं मुक्ता कांडियाल और आप देख रहे हैं हमारा ये लाइव इंटरैक्टिव सेशन। और हम हाजिर हैं हमारी मैथ्स की इस क्लासरूम के साथ। जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी इस कक्षा जो है मैथमेटिक्स की, वो है क्यूब एंड क्यूब रूट्स पार्ट टू। हमारा जो पार्ट वन है, यानी कि हमारा जो पिछला सत्र इस विषय पर था, वो आप हमारे यूट्यूब चैनल NCERT ऑफिशियल पर जाकर आप देख सकते हैं। आज हम, अब जैसे कि मैंने अभी बताया, क्यूब एंड क्यूब रूट टू को हम आज कवर करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। और इसे पढ़ाने के लिए जो एक्सपर्ट आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सबसे पहले मैं उनका परिचय आपसे करा देना चाहती हूँ। आज के हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर ज्योति नेमा फ्रॉम RIE भोपाल। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस सत्र में। और आप हमारा ये कार्यक्रम पीएम विद्या के चैनल नंबर 8 पर इस वक्त लाइव देख रहे हैं। तो अगर आपके किसी भी तरह के प्रश्न हो, किसी भी तरह की क्वेरीज आपकी इस सत्र के लिए हो, तो आप हमें फ़ोन करके पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8800440559। आप चाहें तो ईमेल के द्वारा भी अपने प्रश्नों को हम तक पहुँचा सकते हैं। ईमेल एड्रेस रहेगा dth.class8@cit.nic.in। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का हम ये सत्र शुरू करते हैं, सीधे ज्योति मैम की तरफ रुख करते हैं। मैम से जानते हैं, मैम पार्ट टू जो कि हमारा है आज का टाइटल क्यूब एंड क्यूब रूट टू, उसको शुरू करने से पहले मैम आप एक क्विक रीकैप जो हमने पिछले पार्ट में करा वो हमारे स्टूडेंट्स को दे देते हो तो इट वुड बी बेटर मैम। बिल्कुल बिल्कुल मैम। सो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक क्यूब एंड क्यूब रूट्स पार्ट टू। ये जो टॉपिक है, अपनी क्यूब्स पढ़ा हुआ है, क्यूब्स तो क्यूब्स का थोड़ा सा रिवाइज जरूर करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है। द वर्ड क्यूब इज यूज इन ज्योमेट्री, जो आपने फर्स्ट लास्ट क्लासेस में पढ़ा है, दैट इज ज्योमेट्री से हमने शब्द सुना था। और मेरी प्रीवियस क्लास में अगर आप देखेंगे तो इसके बारे में मैंने आपको बताया है। एंड इंटीजर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ थ्री टाइम्स, द रिजल्टेंट नंबर इज नोन एज इट्स क्यूब नंबर। किसी भी नंबर को अगर आप तीन बार मल्टीप्लाई करते हैं तो यू गेट, जो भी नंबर आपको प्राप्त होता है वह क्या कहलाता है, क्यूब कहलाता है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, n क्यूब इज इक्वल टू n स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय n इनटू n, दैट इज कॉल्ड क्यूब। क्यूब ऑफ अ इवन नंबर, ये हमने लास्ट क्लास में देखा है स्टूडेंट्स, कि अगर आप किसी इवन नंबर का क्यूब करेंगे यू गेट ऑलवेज एन इवन नंबर। क्यूब रूट ऑफ अ ऑड नंबर आर ऑड नंबर्स। नेक्स्ट हमने ये प्राइस सम इंटरेस्टिंग पैटर्न्स भी हमने इस पे डिस्कस की थी। सो स्टूडेंट, टुडे आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है क्यूब रूट्स। क्यूब रूट्स से शुरू करने से पहले मैं एक इंटरेस्टिंग थिंग बताना चाहती हूँ कि जो क्यूब है, एक नंबर होता है 1729, इट इज नोन एज हार्डी रामानुजन नंबर। ये जो हार्डी रामानुजन नंबर इसलिए कहते हैं इसे, एक्चुअली एक बार हार्डी जी ने किया था कि भाई इनके पास एक टैक्सी है और उन्होंने रामानुजन जी से लिखा कि भाई ये जो हमारे बहुत डल नंबर है हमारा, तो उन्होंने कहा नहीं, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग नंबर। ये जो 1729 है, इसको हम दो इसमें ब्रेक कर सकते हैं, दो क्यूब रूट्स में। इट इज ओनली अ नंबर जिसको हम दो नंबर की एडिशन, वो भी क्यूब रूट्स में, क्यूबिक नंबर्स में हम इसे बता सकते हैं। तब से लेके आज तक ये 1729 जो है वो हमारे पास हार्डी रामानुजन नंबर कहलाता है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। Now, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, दैट इज एन इंट्रोडक्शन अबाउट क्यूब रूट्स। क्यूब रूट्स क्या होता है इन मैथमेटिक्स, क्यूब रूट ऑफ अ नंबर x इज अ नंबर y। क्यूब रूट जो है हमारे पास क्या है, एक नंबर है, सच दैट y क्यूब इज इक्वल टू x। ऑब्वियसली क्यूब रूट इज अ नंबर, देन y कैन बी रिटन एज, y को हम कैसे लिखते हैं, x टू द पावर 1/3, दैट इज 3। और इस तरह से इसका एक नोटेशन आप अच्छे से देख सकते हैं, हमारे पास जब क्यूबिक होता था, अपने स्क्वायर रूट निकाला था तो हमारे पास कितना था, उसमें 2 लिखा होता है। यहाँ पर अपन कितना लिखते हैं इसको, इट इज डिनोटेड, इस पे हम एक 3 का नोटेशन डिनोट करते हैं। जैसे अगर हम क्यूब रूट की बात करें तो एक परफेक्ट क्यूब है, देख सकते हैं, ये परफेक्ट क्यूब मींस इस तरह का परफेक्ट क्यूब, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि परफेक्ट क्यूब का एक एज जो है दैट इज नोन एज क्यूब रूट। टेकिंग द क्यूब रूट ऑफ अ परफेक्ट क्यूब विल गिव यू अ डायमेंशन ऑफ 1 एज ऑफ अ क्यूब। किसी भी क्यूब की 1 डायमेंशन आपको देती है। For any number x, x equals to क्या है y cube, जैसे मैंने अभी आपको cube बोला, तो ये जो notation है it is known as cube root। इसके लिए example देखिए, for example अगर हम बोलते हैं कि 8 is equals to, आप सभी जानते हैं 8 equal क्या है, सकते 2 cube ले सकते हैं। It implies that, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि हम जो y है हम उसको 2 को हम लिख सकते हैं under root of
8, ठीक है, उसमें अपन यहाँ पे 3 लगा दें, दैट इज नोन एज क्यूब. इट इज ऑल्सो डिनोटेड 8 टू दी पावर 1/3. हम इस तरह से लिखते हैं. देखिए वन मोर एग्जाम्पल, सपोज वेन वी टॉक अबाउट 27, हम सभी को पता है कि अगर हम 3 का क्यूब करते हैं, क्यूब मैंने लास्ट क्लास में बताया था 3 की पावर 3 इट इज इक्वल 27, मींस इफ यू मल्टीप्लाई 3 इनटू 3 इनटू 3 यू गॉट 27, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा 27. दिस इंप्लाइज हम क्या लिख सकते हैं कि 3 इज द क्यूब रूट ऑफ 27. ये हमारे पास क्या हो गया, क्यूबिक रूट किसका है हमारे पास, ये 27 का क्यूबिक रूट, ठीक है ना. 3 किसका, 27 का क्यूबिक रूट अगर आप निकालेंगे वी गेट 3. तो इस तरह से मैंने कुछ चार्ट आपके पास बनाया हुआ है, ऐसे आपके पास बहुत सारे एग्जांपल हैं. देखिए एग्जांपल ऑफ क्यूब एंड क्यूब रूट, हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था, क्यूब की बात की थी. यहाँ देखिए 1 का क्यूब इज इक्वल टू 1, 2 का क्यूब इज इक्वल टू 8, 3 का क्यूब इज इक्वल टू 27, 4 क्यूब इज इक्वल टू 64 एंड 5 क्यूब इज इक्वल टू 125. तो ये अपन ने क्यूब लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया होता है. नाउ इन दिस क्लास हम क्या ले रहे हैं, 1 के क्यूब की बात करें, तो 1 का क्यूब अपने पास कितना दिया हुआ है, ये देखिए 1 को हम किस तरह से ले सकते हैं. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट 8, तो ये कितना हो जाएगा 2 का क्यूब, क्योंकि 8 को वी कैन राइट 2 इंटू 2 इंटू 2, और हमें ये पता है 3 से ये 3 आपके पास कैंसिल हो जाता है, वी कैन राइट 2. इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं कि अगर हम 27 को 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 लिखते हैं और इसमें से केवल 3 का पेयर में से एक वापस निकल सकता है, यानी अगर आप इस पे 3 लिखा है तो आप 3 का पेयर बना के 1 3 को उसमें से बाहर निकल सकते हैं, ठीक है. ये हमारे पास कितना हुआ 3. नाउ 64 की बात करें, यहां से देखिए 4 हमारे पास आ गया, ठीक है. या तो आप इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करके क्यूब लिख के कैंसिल कर लीजिए, या फिर आप ये कह सकते हैं क्यूबिक रूट में से आप 3 के एक पेयर को बाहर निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 4. तो हमारे पास दो तरीके हैं क्यूब रूट को समझने के लिए. सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए ये क्या लिखा है, 6 क्यूब में कितना होता है 216. हमने लास्ट क्लास में इसका बहुत अच्छे से प्राइम फैक्टराइजेशन सीखा था, 343 एंड 512. ये देखिए तो इसका क्यूबिक रूट कितना होगा, तो वैसे हम सीधे सीधे बोल सकते हैं जब भी कोई वैल्यू जो है हमारे पास 6 क्यूबिक रूट के अंदर रहेगी, यानी 6 टू दी पावर क्यूब होता है 216, इसकी पावर होगी 1/3, 3 से 3 आप कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, 6 हमको 6 मिल जाएगा. तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास था क्यूब एंड क्यूब रूट. हाउ टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ अ नंबर, कोई नंबर अगर आपको दिया हुआ है एग्जाम में, आपको उस रूट का क्यूबिक रूट फाइंड आउट करना है ना, तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं. एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड मेथड इज एस्टिमेशन मेथड. तो आज हम अभी प्राइम फैक्टराइजेशन से स्टार्ट करते हैं. प्राइम फैक्टराइजेशन, फॉर एग्जाम्पल जैसे 216 का क्यूबिक रूट यू हैव टू फाइंड. नाउ सबसे पहले हमने जो एलसीएम एचसीएफ में सीखा था, इस तरह से फैक्टराइजेशन को निकाला. सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें 216 रखते हैं. आप देख रहे हैं ये 2 से डिवाइड है बिकॉज इट इज एन इवन नंबर. हम क्या कह सकते हैं 2 1 2 जाएगा, देन यहाँ पर 0 और 16 है, तो वी कैन राइट 108. देन आफ्टर इट इज एन अगेन हमें क्या मिला, एक इवन नंबर, इसे हम 2 से फिर से प्राइम फैक्टराइज करेंगे, हमें कितना मिला 54. देन अगेन वी गेट एन इवन नंबर, बट अब हमारे पास 27 आया, 27 को हम 3 से फैक्टराइज करेंगे, देन ये कितना हुआ, 3 के टेबल में ये कितने बार आता है 9 बार, देन अगेन 3 से हमने इसको फैक्टराइज किया, देन ये 3 3 और ये लेस, एट लास्ट वी कैन गेट 1. जब तक हम इसको करते हैं, जब तक हमको 1 प्राप्त नहीं होता, 1 हमको मिल नहीं जाता, तो हम इस 216 को इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3 × 3. तो आप देख रहे हैं इसमें जो भी आपके पास प्राइम है, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ही होता है कि जो गिवन नंबर है उसको आप प्राइम नंबर्स में बदल दीजिए. व्हाट डू यू मीन बाय प्राइम नंबर, प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है या तो वो 1 से जाता है या वो खुद से डिविजिबल होता है. तो यहाँ पे 2 × 2 × 2, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये आपके पास 2 और 3 के पार्ट में ब्रेक हो गया है. Now, ये कितना हुआ 216, तो हमने इसको कितना लिखा, मैंने आपको बोला था अगर क्यूबिक रूट के अंदर कोई भी पेयर है तो हम उसको सिंगल एक बार ही लिखेंगे. तो 2 × 2 × 2 को हमने क्या लिखा, 2 लिख लिया, एंड यहाँ पर 3 × 3 × 3 को हमने एक बार लिख लिया, दैट मीन्स इसका क्यूबिक रूट इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया 6 मिल गया. तो वन मोर एग्जाम्पल इसके यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, 512 की बात करें तो अगेन इट इज एन इवन नंबर,
ठीक है, तो इवन नंबर को हमने एचसीएफ के थ्रू सीखा था कि कैसे फैक्टराइजेशन करना है, हम इसे 2 से डिवाइड कर दें तो हमको क्या मिलेगा 256, अगेन वी गेट एन इवन नंबर, हम इसको फिर से 2 से डिवाइड करते हैं वी गेट 122, अगेन डिवाइडेड बाय 2 वी गेट 64, अगेन डिवाइडेड बाय 2 वी गेट 32, अगेन 2 देन 16, और ये तो होता है 8 बार जाएगा, देन ये हमारे पास आया 4, देन लास्ट 2, और मैंने आपको बताया ये तब तक डिवाइड करना है जब तक हमको क्या नहीं मिल जाए 1 मिल जाए। दैट मीन्स हम इस 512 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, अगर हम इसका 3 का पेयर बनाए, आपको याद होगा मैंने जो आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट पढ़ा था उसमें हमने 2 के पेयर बनाए थे, जब हम क्यूबिक रूट की बात करते हैं तो हम उसमें 3 का पेयर बनाते हैं, तो आप देखिए यहाँ पर 3 के हमारे पास 2 के पेयर पड़े, यानी हम सीधे सीधे लिख सकते हैं एक पेयर को हम क्यूबिक रूट से एक बार बाहर निकालते हैं, तो यहाँ से इस 2 × 2 × 2 से 8 निकल गया, 2 × 2 × 2 से हमने एक और 2 को बाहर ले लिया, 2 × 2 × 2 से हमने 8, तो ये तीनों को मल्टीप्लाई करके हमें 8 मिले, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया 512 जो है इट इज अ क्यूबिक रूट ऑफ 8, ये हमारे पास क्यूबिक रूट मिल गया। नाउ कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं कि भाई इट इज ट्रू और नॉट, इस पे डिस्कशन करते हैं अपन। ये आपके एनसीईआरटी की लास्ट एक्सरसाइज जो दिया है 7.3 में दिया हुआ है, तो उसमें क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, हमने क्या लिखा क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, ये कितना होगा, ये मतलब पूछा जाता है क्यूब ऑफ एनी नंबर ऑड नंबर इज इवन होता है कि ये कितना हो गया 3 × 3 × 3, ये कितना हो गया 27, नाउ 7 × 7 × 7, तो आप देख रहे हैं कि हमने 2 इवन नंबर्स को मल्टीप्लाई किया बट हमें कितना मिल रहा है ऑड नंबर मिल रहा है, तो ये हमारे पास कितना हो गया, दिस इज इक्वल्स टू फॉल्स, ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट बन गया। Now, a perfect cube does not end with 0, 2 zeros. ठीक है, perfect cube जो है वो 2 zero से end होगा या नहीं होगा ये हमसे पूछा है। तो आप देखिए 10 × 10 × 10 की बात करें तो ये हमारे पास 3 zero आता है। And 20 × 20 × 20 की बात अगर हम करते हैं तो ये हमारे पास 3 zeros आ रहे हैं। Then it is equals to ये हमें क्या है? Does not end with 2 zeros. ये हमारे पास क्या हुआ? 2 zero से अंत इसका नहीं होता है। यानी ये statement तो बिल्कुल सही है कि भाई ये 2 zeros में नहीं आएंगे। One more statement देखें, if square of a number end with 5, then its cube end with 25. अगर हम किसी square of a number करते हैं तो 5 करते हैं आता है, लेकिन जो हम cube करते हैं तो क्या वो 25 से होता है? तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने क्या लिया है 5 × 5, आप देख रहे हैं 25. ऐसे आप कोई भी 5 ला, यूनिट डिजिट पर 5 होगा तो आपके पास एंड विथ कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। बट व्हेन वी टॉक अबाउट क्यूब, तो आप देखिए हमने पास 5 × 5 × 5, 5 × 5 × 5 किया, वी गेट 125। बट हम जब 15 की बात करें तो हमारे पास लास्ट डिजिट क्या मिल जाता है 75। यानी ये तो बिल्कुल गलत है कि भाई ये हमको 25 से एंड होगा, दैट मीन दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। वन मोर स्टेटमेंट, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विथ 8. क्या ऐसा कोई परफेक्ट क्यूब है जो 8 से एंड होता है? यस, अगर हम 2 क्यूब करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है 8. 12 का क्यूब करते हैं वी गेट 1728, अगेन वी गेट 8. देन क्या क्या इसमें से 2 ये अपने पास क्या हुआ 2210648, ये हमें क्या मिल रहा है, ये दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाउ आवर फिफ्थ स्टेटमेंट इज The cube of a 2-digit number may be a 3-digit number. क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि 2-digit का जो number लें उसका answer कितना आ जाए 3-digit ही आएगा? तो नहीं, is it not? तो ये देखिए 10 हमारे पास 2-digit का number है। अगर हम इसका cube करते हैं तो हमारे पास ये कितना मिला 4-digit का number मिल गया। That means it is a false statement. Now 5 की बात करें, the cube root of a 2-digit number may have a 7 or more digits. Now ये क्या होता है कि ये होता है 2-digit number, आप कोई भी 2-digit लीजिए तो क्या उसका आंसर हमारे पास 7 और उससे मोर डिजिट में आएगा? Is it possible? देखें भाई, हमने सबसे बड़ा 2-digit number लिया 99, तो जब हम इसको 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास कितना हुआ 970299, ये तो 6-digit का है, इससे बड़ा तो 2-digit number होता ही नहीं है। That means ये क्या बोल रहे हैं कि इसका आंसर 7 एंड मोर डिजिट आ सकता है? नहीं, इज इट नॉट पॉसिबल, इसका हमेशा जो आंसर आएगा वो आपके पास 6-digit का आएगा।
नेक्स्ट, द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर. क्या ऐसा कोई नंबर है जिसका हम क्यूब करें वी गेट अ सिंगल डिजिट नंबर? ऑब्वियसली अगर हम 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करें 1 × 1 × 1 तो वी गेट 1. यानी इट इज ट्रू कि भाई एक ऐसा डिजिट है जिसको हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट अ सिंगल डिजिट नंबर. Now, one more method, अभी हमने पढ़ा कि भाई how to find a cube root of a number. तो मैंने जो last class में अभी last में बताया आपको, it is a prime factorization method. Now, अब हम बोल रहे हैं कि दूसरी method जो है, जो मैंने इसका नाम बताया था, estimation method. जो estimation method होती है, देखिए पहले मैं इसको रीड करके बता रही हूँ. 17576 का क्यूबिक रूट. आप चाहे तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं. अगर इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं देन ये क्या होगा, फॉर्म ग्रुप ऑफ 3. तो हम क्या करें, सबसे पहले जिसका भी आपको क्यूब रूट निकालना है उसको आप ग्रुप में बदलिए. ग्रुप में हमें इसका 3 का ग्रुप बनाना है, ठीक है. और ये जो प्रोसेस है हमको राइट साइड से स्टार्ट करना है. तो देखिए मैंने राइट साइड से 3 का ग्रुप बनाया तो क्या बना, 576 का एक ग्रुप बना. नौ 17 में तो 3 का ग्रुप बन नहीं सकता तो हम उसे 2 ही ले लें. अगर 4 डिजिट का होगा तो ऑब्वियसली 17 की जगह पे एक ही नंबर होता तो ये हमने ग्रुप बनाया. लेकिन याद रखिए एस्टिमेशन का मतलब होता है कि हमें उसका अनुमान लगाना. तो अनुमान के हिसाब से हमें ये टेबल याद होनी चाहिए. तो ये क्यूबिक रूट की एक टेबल भी है. सबसे पहले हम जो 576 लेंगे, नाउ इसके यूनिट प्लेस की बात करेंगे तो यूनिट प्लेस हमें दिख रहा है 6. तो क्या कोई ऐसा क्यूब है जिसके आखिरी में 6 आता है? ऑब्वियसली 6 का जो हम अगर क्यूब करते हैं तो लास्ट डिजिट हमारे पास 6 होता है. तो हमने क्या किया, हमने लिया 576. इसका लास्ट डिजिट हमारे पास कितना है, 6. और ये जो 6 है ये हम देखें तो 874 ये केवल 6 के क्यूब में आता है. तो हम इस 6 को अपने पास स्टोर करके रख लेते हैं. Now, अब हम 17 की बात करते हैं. जब हम 17 की बात करते हैं तो 17 जो क्यूबिक टेबल में है 8 और 27, ठीक है, 8 और 27, ठीक है, 8 और 27 के बीच में आ रहा है, ठीक है. तो इन दोनों में से छोटा नंबर जो होता है वो हम ले, छोटा नंबर हमारे पास क्या है, 2, स्मॉलर नंबर. सो वी टेक स्मॉलर नंबर. तो स्मॉलर नंबर क्या लिया हमने, 2. ऑब्वियसली जो हमारे पास इसका आंसर है 26, ठीक है. किस तरह से किया हमने, 576 लिया, इसका हमने क्यूब निकाला, देन ये क्यूब जो भी है लास्ट डिजिट जहां पर आता है उसको सर्च किया, एंड ये जो सेकंड जो लास्ट वाला बना था उसमें हमने ये देखा ये नंबर कहां पर रहता है और जिसके भी बीच में ये नंबर आता है उसमें से छोटा, मतलब 8 और 27 के बीच में लाए करता है. तो 2 और 3 में से सबसे छोटा कौन है, 2 इज अ स्मॉलर नंबर. तो हम सीधे सीधे इसका 2 ले लेंगे और ये लास्ट क्योंकि 6 था इट इज अ 26 था. ये आपके पास क्यूबिक रूट है. इस तरह से क्वेश्चन है, यू आर टोल्ड दैट 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब. तो ये विदाउट फैक्टराइजेशन से क्या हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं, ये क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है. चलिए इस पर डिस्कस करते हैं. तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है भाई, ये दिया है कि 1331 का आपको क्यूब रूट निकालना है. तो सबसे पहले क्या करना है, मैंने अभी बताया आप इसको ग्रुपिंग करिए. तो हम इसका ग्रुपिंग करते हैं तो पीछे से स्टार्ट करना है. तो पीछे से नंबर लिया 1 3 3, ये 3 का एक ग्रुप बन गया, ये बन गया, ठीक है. नाउ हमें क्या करना है, 331 जो भी हमारे पास नंबर था तो हमें इस लिस्ट में ढूंढना है कि ऐसा कोई क्यूबिक क्यूब है जिसमें 1 आता है. ऑब्वियसली 1 एक ऐसा नंबर है जो क्या आ गया हमारे पास, इसमें आ रहा है 1, हमारे पास 1 के क्यूब में आता है. तो हम 1 को अपने पास स्टोर करके रख लेंगे, ठीक है. नाउ अब ये जो सेकंड है, इस 1 को हम जो लेंगे, इस 1 को ढूंढेंगे कि भाई किसके बीच में लाई करता है. तो ये 1 जो है ये हमारा 8 और 1 के बीच में लाई कर रहा है. तो दैट मीन्स ये हमारे पास कितना हो गया, इसमें से छोटा नंबर 1. दैट मीन्स अगर हम 11 का क्यूबिक रूट करें तो ये अपने पास इजीली बन जाएगा. तो यानी कि 1331 का अगर आप क्यूबिक रूट निकालें वी गेट. इसी तरह से ये वाला एक क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे क्या है 1 2 1 6 7 की अगर हम बात करें तो क्या होता है हमारे पास 1 6 7. तो हम इसका सबसे पहले ग्रुपिंग करते हैं 1 2 1 6 7, ठीक है. मैंने आपको बताया पीछे से इसका ग्रुपिंग हमको सॉल्व करना है. हमने यहां से ग्रुपिंग किया 1 6 7, देन हमने इसके बाद इसकी ग्रुपिंग करी 2. अब आपको सबसे पहले क्या करना है, जो डिजिट है इसका जो लास्ट नंबर है 7 को हमको देखना है कि क्या ये इस लिस्ट में कहीं आ रहा है. दिख रहा है भाई, ये हमारे पास क्या दिख रहा है, 3 का क्यूब.
थ्री के क्यूब में हमारे पास सेवन अपने पास आता है, तो सेवन अगर हमारे पास आ रहा है तो हमने क्या किया, इस थ्री को अपने पास स्टोर करके रख लिया। नाउ अब हम बारह की बात करते हैं, क्या बारह इसमें से किसके बीच में आ रहा है, ऑब्वियसली बारह जो है ये एट और 27 के बीच में लाय करता है, और 8 एंड 27, 8 यानी 2 का क्यूब है, लेकिन इनमें से जो स्मॉलर नंबर होगा, तो स्मॉलर नंबर हमारे पास 2 है, दैट मींस 23 इसका क्यूबिक रूट आएगा। ठीक है स्टूडेंट, यानी अगर आप इसका क्यूबिक रूट निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 23। तो इस तरह से हम एस्टिमेशन के द्वारा कैसे भी आप डिजिट कर देंगे। इसके लिए वन मोर एग्जाम्पल देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ग्रुपिंग करेंगे, हमारे पास कितना लिखा है, 3, 2, 7, 6 एंड 8। सो स्टूडेंट सबसे पहले ग्रुप बनाना है, पीछे से लाइन कीजिए, ये तीन अंक आपके पास हो गए, नाउ ये आपके पास 32 के तीन अंक हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसमें से देखेंगे कि जो 8 है ये किसके क्यूब में आता है, तो आप सभी चेक से बता देंगे क्योंकि लिस्ट आपको याद होनी चाहिए, क्यों क्यूब 8 जो है वो हमारे पास 2 के क्यूब में आता है, तो हम क्या करेंगे इस 2 को अपने पास रख लेंगे। नेक्स्ट 32 की बात करें तो देखो भाई 32 किसके बीच में आता है, हमारे पास 27 एंड 64, 3 और 4 के क्यूब के बीच में हमारे पास क्या आ रहा है, 32। तो बताएं भाई 3 और 4 में से छोटा नंबर कौन सा होता है, सही 3 और 4 में से छोटा नंबर हमारे पास 3 होता है, दैट मींस अगर आप 32 को 32 मल्टीप्लाई बाय 32 करेंगे तो वी गेट हमें कितना मिल जाएगा, 32768। ये जो हमारे पास नंबर है ये 3 डिजिट के इसे क्यूबिक रूट ऑफ एस्टिमेशन के थ्रू, बट इसमें कंडीशन स्टूडेंट्स ये है कि आपको ये टेबल याद रखनी पड़ेगी, अदरवाइज आपके पास एक फैक्टराइजेशन मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड में आपको जो एचसीएफ में सिखाया गया था कि डिवाइड करके निकाले, आप उससे भी डिवाइड करके निकाल सकते हैं, तो ये दोनों मेथड से आपका सॉल्व हो जाएगा कि आप किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। नाउ देखिए अगर मैं इसे 1331 को मैंने अभी प्राइम फैक्टराइजेशन से बताया तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई, सबसे पहले डिवाइड करेंगे, हमें पता है कि 11 से डिवाइड होने वाला नंबर है, तो ये कितना आ जाएगा, 11 33 दैट इज इक्वल्स टू ये हमारे पास 2 बचेगा तो ये हो जाएगा 22, देन 121। अगर आप 11 से इसको डिवाइड करिए तो ये हमारे पास फिर से 11 बचेगा, तो ये 11 बन जा 11। जब तक हम इसे डिवाइड करते हैं जब तक हमको 1 नहीं मिलता, प्राप्त नहीं हो जाता है, दैट मींस हम 1331 को अगर हम लिखना चाहें दैट इज इक्वल्स टू 11 मल्टीप्लाई बाय 11 ऐसा लिखेंगे, और क्योंकि इसके अंदर क्यूबिक रूट के अंदर ये टर्म है तो ये भी हमारे पास क्यूबिक के अंदर होगा। अगर किसी ब्रैकेट में किसी भी रूट पे जो नंबर लिखा होता उतने का पेयर में से एक नंबर निकल के आता है तो 3 के पेयर में से हमारे पास एक 11 आएगा, दैट इज 11 हमारे पास आंसर होगा। आप चाहे तो उसे ऐसा भी कर जाते हैं कि 11 क्यूब इज टू द पावर 1/3, दैट इज इक्वल टू ये कैंसिल कर दीजिए, वी गेट 11। स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि किसी भी क्यूबिक रूट को आप दो मेथड से इजीली निकाल सकते हो, एक आपके पास फैक्टराइजेशन मेथड है, एक आपके पास एस्टिमेशन मेथड है, बट आप ध्यान रखिए अगर आप एस्टिमेशन मेथड का यूज करेंगे तो आपको इस टेबल को जो क्यूब की टेबल है जो मैंने पिछली क्लास में बताई थी इस क्लास में भी आप इसे नोट डाउन कर ले, अगर आप ये लिखे हुए हैं तो आप एस्टिमेशन से भी निकाल सकते हैं। इसीलिए ये जो अपने पास लास्ट क्वेश्चन था तो इस तरह से हमें क्या देखा भाई, 4913 12167, इस तरह से सिमिलरली क्यूब रूट हम विदाउट फैक्टराइजेशन अगर हमें निकालने को कहा जाएगा तो वी विल यूज एस्टिमेशन। स्टूडेंट्स मुझे लगता है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा कि हम दो मेथड से इसे सॉल्व करते हैं, एक आपके पास फैक्टराइजेशन है और एस्टिमेशन है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप लाइव चैट में पूछ सकते हैं। बिल्कुल मैम, और जैसा कि आपने अभी बताया कि तमाम दर्शक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ईमेल्स हमें लगातार मिल रहे हैं। एक प्रश्न यहाँ पर मैं अपने दर्शक का लेना चाहूँगी ज्योति मैम, अजय कुमार गुप्ता एक दर्शक हमारे साथ जुड़े ईमेल के द्वारा, उनका प्रश्न है कि सबसे छोटी घन संख्या कौन सी है। सबसे छोटी घन संख्या हमारे पास 1 है, ये देखिए क्यूबिक अगर हमने निकाला है तो ये हमारे पास
वन का एक क्यूब है। आपने मेरे लॉस में देखिएगा, अगर आप घन की बात करते हैं तो हमने घन निकाला हुआ है, मैंने इसे डायग्राम बना के आपके पास घन बनाया हुआ था, और इसके पहले जो आपके पास क्यूब एंड क्यूब रूट है उसमें घन किस तरह से बना हुआ है, मैंने आपको उसमें टू का क्यूब भी बताया है, थ्री का क्यूब भी बताया, उसमें घन से अगर हम इसे डायरेक्ट मतलब क्यूब को बना के दिखाए तो भी मैंने इसमें भुजा के अनुसार आपको बताया। तो वन जो है हमारे पास एक सबसे छोटा होता है, इसमें इसकी साइड वन लेके हम एक क्यूब को बना सकते हैं। बिल्कुल, तो मैं उम्मीद करते हैं हमारे जो दर्शक अजय कुमार गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। जैसे कि मैम ने बताया सबसे छोटी घन संख्या जो की है वो की है वन। ज्योति मैम एक बार आपका फिर से धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने इतना अच्छा सेशन जो आज था हमारा क्यूब एंड क्यूब रूट टू, आपने तमाम मेथड्स हमारे दर्शकों को बताया, दो मेथड यहाँ पे आपने बताया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपने बताया, एस्टिमेशन मेथड आप अपने हमारे स्टूडेंट्स को बताया कि इसके थ्रू वो किस तरह से क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हैं तमाम नंबर्स के। थैंक यू सो मच ज्योति मैम एक बार फिर से। और मैं अपने दर्शकों का भी धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो हमारा ये सेशन था आज का पार्ट टू क्यूब एंड क्यूब रूट्स टू अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारा ये कार्यक्रम पुनः देखना चाहते हैं तो आप हमारे जो यूट्यूब चैनल NCERT ऑफिशियल आप उस पर जाकर भी हमारा ये कार्यक्रम देख सकते हैं। और जैसे कि मैंने सत्र की स्टार्टिंग में ही बताया था कि आप हमारा जो पार्ट वन था वो भी हमारे NCERT ऑफिशियल पर जाकर आप देख सकते हैं। तो फिलहाल हम इस सत्र को यहीं पर समाप्त करें, लेकिन हम जल्द हाजिर होंगे अपने अगले सत्र के साथ जो कि है वेबिनार। जुड़े रहिए PM विद्या चैनल और NCERT ऑफिशियल से। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।